हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू सारांश पाठ। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एनिमल किंगडम का, जो क्लास मैं किट एजुकेशन पे कराई हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैं आई बटन पे भी दे दूंगी, तो वो क्लास एक बार देख लीजिए बेटा। नहीं तो ये क्लास में थोड़ा सा दिक्कतें आने वाली हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर जितने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा मतलब आया है, वो क्वेश्चन आज मैं सॉल्व करवाऊंगी। और क्वेश्चन किस बेसिस पे रहेगा, जितना मैं पढ़ाई हूँ मतलब जो बेसिक टर्म्स है, जो पढ़ना जरूरत है फॉर क्लासिफिकेशन, उसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो इंतजार किस बात का है, उठा लो कॉपी और पेन एंड लेट्स मेक इट हैपन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर सेशन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर फॉलोइंग फीचर्स। ए, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बी, बायलैटरल सिमेट्री। सी, ट्रू सिलोमेट विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप व्हिच पोजेस ऑल द एबव कैरेक्टरिस्टिक्स। ए ऑप्शन में है एनिलिडा, मोलस्का एंड कॉर्डाटा। देखिए, पहली बात है कि अगर सिमेट्री की बात आ रही है, बायलैटरल सिमेट्री स्पेसिफिक वे में दिया हुआ है, तो मोलस्का कभी नहीं होगा, ठीक है, मोलस्का नहीं होता है। तो सेकेंड ऑप्शन में है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डाटा। सी ऑप्शन में है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। डी में है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कॉर्डाटा। तो जिस जिस ऑप्शन में बेटा मोलस्का है वो निकाल दीजिए, तो बचता है ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डाटा। इसमें बहुत सारे फीचर्स रहते हैं, जैसे कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री एंड ट्रू सिलोमेट विद सेगमेंटेड बॉडी और सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which of the following animals are true cilomate with bilateral symmetry? Same type का question आ रहा है। तो पहला ऑप्शन है एडल्ट इकाइनोडॉन्स, दूसरा है एस्ट्रियलमेंटिस, तीसरा है प्लाटीहेलमेंटिस, ऑप्शन डी है एनिलिडा। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि इसमें से सिलोमेट भी है और बायलैटरल सिमेट्री भी है, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, एनिलिडा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which one of the following kinds of animals are diploblastic? Diploblastic का मतलब क्या होता है? जिनके बॉडी में थ्री जर्म लेयर प्रेजेंट हो, इक्टो, एंडो, मेसो। अभी भी बता रही हूँ, अगर कोई बच्चे डायरेक्ट इस क्लास में आ गए हैं, उस क्लास को प्लीज जरा सा फॉलो कर लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, फ्लैट वर्म, स्पॉन्जेस, स्टीनोपोरा, कोरल्स। बेटा कोरल्स नहीं होगा, देयर पॉलिप्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। देन स्पॉन्जेस, स्टीनोपोरा भी नहीं होगा, सो फ्लैट वर्म होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सर्टेन गिवन एनिमल इज करेक्ट, ठीक है। नीचे का कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो राइट है? ऑप्शन ए है राउंड वर्म्स मीन एस्ट्रियलमेंटिस आर स्यूडो सेलोमेट। ये तो हम लोग जानते हैं, सही है, मैं पूरा इसी का एग्जाम्पल दी थी स्यूडो सेलोमेट में। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, मोलस्क आर एसिलोमेट, ऐसा तो नहीं होता है। इंसेक्ट्स आर स्यूडोसिलोमेट्स, ये भी नहीं होता है, दे आर हीमोसिलोमेट्स, और आप ये बता सकते हो कि दे आर सिलोमेट। फ्लैटवर्म्स आर सिलोमेट, नहीं ये भी रॉन्ग है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज राउंड वर्म मीन्स एस्चिलमेंटिस आर स्यूडोसिलोमेट, उनके बॉडी में स्यूडोसिलोम प्रेजेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following groups of animals is bilateral, symmetrical and diploblastic? बोला गया है कि नीचे में ऐसा कौन सा ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जो bilateral, symmetrical है, मतलब एक प्लेन से किसी भी प्लेन से हम लोग काटेंगे तो टू इक्वल हाफ्स मिलेगा, एंड दूसरा है कि diploblastic, मतलब थ्री जर्म लेयर प्रेजेंट है। तो ऑप्शन ए है एस्ट्रियलमेंटिस राउंड वर्म, ऑप्शन बी है टीनोफोरा, फिर है स्पॉन्जेस, सिलेंटेरस, ठीक है, और निडरियंस। तो एक बात आप लोगों को बता दूं बेटा, एनिमल किंगडम का कुछ भी क्वेश्चन हो, चाहे वो बेसिक टर्म्स रिलेटेड हो, जब तक आप पूरा क्लास नहीं कर लोगे ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन फिर भी करते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा तो जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखो बेटा, टीनोफोरा, स्पॉन्जेस और निडरियंस जो है ना, इसमें वो ट्रिप्लोब्लास्टिक और दे आर नॉट बायलैटरल सिमेट्रिकल, ओके। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज एस्ट्रियलमेंटिस और राउंड वर्म, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इन द इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ऑप्शन ए मोलस्का एंड कॉर्डाटा। कॉर्डाटा तो है, मोलस्का नहीं होगा, मेटामेरिक मतलब इंटरनल सेगमेंटेशन।
प्लैटीहेलमिंथिस एंड आर्थ्रोपोडा, सो ये भी नहीं होगा, प्लैटीहेलमिंथिस में नहीं होगा. इकाइनोडर्माटा एंड एनिलिडा, नहीं, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. मैं बताई थी आर्थ्रोपोडा में होता है, और एनिलिडा ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है, ऐसा एक ग्रुप है जहाँ पे एक्सटर्नल प्लस इंटरनल सेगमेंट दोनों प्रेजेंट होती है, ठीक है ना. चलिए चलते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में. द एनिमल्स विद बायलैटरल सिमेट्री इन यंग स्टेज एंड रेडियल पेंटामेरस सिमेट्री इन द एडल्ट स्टेज बिलोंग्स टू द फाइलम. रेडियल पेंटामेरस मतलब पांच उनका अपेंडिजेस निकला हुआ रहता है, ठीक है ना. रेडियल सिमेट्री मतलब फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस से पांच अपेंडिजेस निकला हुआ रहता है. तो बोला गया कि जब वो छोटा रहता है तब उसका बायलैटरल सिमेट्री रहता है, जब बड़ा हो जाता है तब रेडियल पेंटामेरस सिमेट्री रहता है. सो पांच क्या किसका रहता है वो हम लोग जानते हैं, स्टारफिश का. तो यहाँ पे ऑप्शन इकाइनोडर्माटा के अंदर स्टारफिश आता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. फिर भी बाकी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, एनिलिडा, मोलस्का, निडरिया एंड इकाइनोडर्माटा. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में. Which of the following animals have scattered cells with cell tissue grade organization? यहाँ पे ऐसा कौन सा नीचे दिए गए कौन सा animals है जिनके body में tissue grade organization है और scattered कुछ cells भी present है. So option A है sponges, then hydra, then liver fluke, then ascaris. No, sponges तो cell level हो जाता है, liver fluke ये सब आपका आ जाता है organ level में, organ system level में. So hydra will be the correct option, option B. Next question में आते हैं. सिलोम इज फाउंड बिटवीन, आपको याद होगा मैं पढ़ाई थी कि सिलोम किस किस के बीच में रहते हैं, कौन से दो लेयर के बीच में आते हैं, देख लेते हैं आप लोग कितने लोगों को याद है. ऑप्शन ए इज बॉडी वॉल एंड एक्टोडर्म, बी एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, सी मीसोडर्म एंड बॉडी वॉल दैट मीन्स इंडोडर्म, मीसोडर्म एंड एक्टोडर्म. मैं आपको साफ साफ वहां पे लिखवाई थी कि सिलोम प्रेजेंट होता है मीसोडर्म और इंडोडर्म में के बीच में, मीन्स बॉडी वॉल एंड मीसोडर्म के बीच में, ठीक है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. बिसाइड्स एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा को छोड़ के द मेटामेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, किसके अंदर में मेटामेरिज्म मीन्स इंटरनल सेगमेंट एग्जिस्ट है, करता है. मोलस्का, एकांथोसेफाला एंड सिटोडा एंड क्वाड्राटा. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज क्वाड्राटा, ठीक है. आज का ये वाला क्लास बहुत छोटा है कि क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत कम ही क्वेश्चन होते हैं जब तक ना आप एनिमल किंगडम पूरा खत्म कर लो, ठीक है, क्योंकि लिंक्ड क्वेश्चन देते हैं बहुत सारा. तो चलिए जितना भी हुआ है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, और अच्छे से पढ़ते रहिए. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और ढेर सारा क्वेश्चन लेके. तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड लेट्स मेक इट हैपन.